कल के इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम लोग सीखे थे वॉयस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस कैसे बनाते हैं विथ एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस तक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले एक दो उदाहरण देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं एक सेंटेंस, ही फ्लाई ए काइट। फिर इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या करेंगे, सर्व हम लिखेंगे ए काइट, क्योंकि यह सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है ई एम आर। तो यहाँ पर लगाएंगे सहायक क्रिया क्या लगाएंगे ई, और पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, चाहे एक्टिव वॉइस किसी भी टेंस में क्यों ना हो, मिनिमम कौन सा फॉर्म लगाएंगे थर्ड फॉर्म। इकाई एज फ्लोन बाई पुनः एक और सेंटेंस देखते हैं, ही टॉट यू इंग्लिश। देखिए सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं दो ऑब्जेक्ट यू एंड इंग्लिश। हम लोग जानते हैं कि एक को इसमें से कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को इंडेक्ट। वस्तु सूचक जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्यक्ति सूचक को हम लोग कहते हैं इंडेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि इसको बनाएंगे दो तरीके से बना सकते हैं, यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले उतारते हैं तो सर्व हम लिखेंगे इंग्लिश, क्योंकि एक्टिव वॉइस में टेंस किस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में साइड क्या लगाएंगे वाज, तो इंग्लिश वाज पुनः टॉट, इंग्लिश वाज टॉट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं टू का, तो यहाँ पर इंग्लिश वाज टॉट टू यू, इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई ही का कर देंगे हिम करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने के नियम विथ एग्जांपल। अब हम आगे बढ़ेंगे यार नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस ध्यान देंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते हैं कि नहीं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज नॉट एम नॉट आर नॉट। सेम वैसे ही पैसिव वॉइस में आएंगे तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चूंकि पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है ई एम आर, तो वैसे ही कर देंगे इज नॉट एम नॉट आर नॉट। सेम वैसे ही हर एक टेंस में करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सी डज नॉट राइट ए लेटर, सेंटेंस लिखते हैं सी डज नॉट राइट ए लेटर, ध्यान दीजिएगा। तो
क्या करना है, लिखेंगे ए लेटर, पैसिव वॉइस की साइड का क्या लगाएंगे ए, बस नॉट क्या करेंगे उतार देंगे, यानी ए लेटर इज नॉट रेड का थर्ड फॉर्म रिटेन, ए लेटर इज नॉट रिटेन बाय हर, यही हर एक टेंस में यही रूल क्या होगा फॉलो होगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, He not invited us. He is not inviting us. Sorry, he is not inviting us. यदि इसको बनाना हो क्या करेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे इसका क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बना, सॉरी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या लिखेंगे वी, सहायक क्रिया वी, इसके बाद आर, वी आर नॉट, और चूंकि इस टेंस की सहायक क्रिया होते हैं ए बीइंग एम बीइंग आर बीइंग, we are not being, we are not being invited, third form लिखेंगे invited, we are not being invited by him, हम लोगों ने सीखा negative sentence passive voice कैसे बनाते हैं ना। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप, एक फर्स्ट टाइप और एक सेंटेंस, सॉरी सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप सेंटेंस और सेकेंड टाइप सेंटेंस। फर्स्ट टाइप सेंटेंस को कहते हैं हम लोग यस आर नो टाइप, और सेकेंड टाइप को कहते हैं डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के यदि सेंटेंस हो तो उनको पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि ये फर्स्ट टाइप सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, हम जानते हैं कि वे सेंटेंस जिनके पहले सहायक क्रिया का प्रयोग होता है उन्हें हम कहते हैं क्या कहते हैं फर्स्ट टाइप सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस लिखते हैं उसके लिए, डज ही प्ले हॉकी, डज ही प्ले हॉकी, फर्स्ट टाइप सेंटेंस। यदि इस टाइप के सेंटेंस हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया से जो वाक्य प्रारंभ होते हैं पैसिव वॉइस भी सहायक क्रिया से वाक्य प्रारंभ करेंगे, बशर्ते या एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया से हम लोग वाक्य को प्रारंभ करेंगे। जैसे यह सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या लगाएंगे इज एम आर, तो चूंकि क्या लगाएंगे इज,
एज हॉकी, इन हॉकी प्लेड बाय हिम, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन हॉकी प्लेड बाय हिम। और सेकेंड टाइप सेंटेंस की बात करते हैं, सेकेंड टाइप सेंटेंस में यदि हम लोग जानते हैं डब्ल्यूएच मोस्टली अधिकांश सेंटेंस होते हैं तो जो डब्ल्यूएच से प्रारंभ होते हैं ना, यदि इस प्रकार के सेंटेंस हो तो जिस प्रश्न सूचक शब्द से एक्टिव वॉइस प्रारंभ रहता है या होता है उसी प्रश्न सूचक शब्द से क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए सर्वप्रथम उसी प्रश्न सूचक शब्द से पैसिव वॉइस प्रारंभ करेंगे, बशर्ते इसके बाद जो प्रश्न सूचक शब्द के बाद एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है लेकिन वहां पर पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया लिखेंगे। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं, व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट, 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 इस टाइप के सेंटेंस होंगे तो इसी प्रश्न सूचक शब्द को हम लोग पैसिव वॉइस में भी उतारेंगे, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे व्हाई, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है इसलिए पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या लगाएंगे इज एंड आर, तब क्या लिखेंगे व्हाई, इसके अनुसार व्हाई इज योर सर्वेंट, व्हाई इज योर सर्वेंट, बीटेन व्हाई इज योर सर्वेंट बीटेन बाय यू, क्या लिखेंगे यू, व्हाई इज योर सर्वेंट बीटेन बाय यू। एक और सेंटेंस देखते हैं, आर दे टेलिंग ए लाई, आर दे telling a lie, ध्यान दीजिएगा तो चूंकि यह वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग, तो हम लोग क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे ए ए लाई, इस टेंस की सहायक क्रिया सॉरी पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग, तब क्या लिखेंगे इज ए लाई बीइंग टोल्ड, टोल्ड बाय देखा हम लोग ठीक। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यदि डब्ल्यू एच ओ यानी वो वाले सेंटेंस आए तो इसको कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस, इसको हम लोग सीखेंगे। यदि जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं
Who is singing a song? Who is singing a song? यदि इस टाइप के सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो who के स्थान को हम लोग सीधे सीधे who बराबर क्या लिखते हैं, who बराबर हम लोग लिखते हैं by home, who बराबर by home। और सेम वैसे जैसे यहाँ पर क्या लिख देंगे, who बराबर यानी by home। इसके बाद क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या रहेंगे, is, being, am being और are being। तो by home is a song, by home is a song, being sung, by home is a song, being sung। एक और सेंटेंस लिखते हैं, who makes a noise, who makes a noise, sorry, who makes a noise। तो पुनः यहां पर क्या लिखेंगे, who के स्थान पर by whom, by whom सहायक क्रिया क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज एंड आर। तो बाय होम इज ए नॉइज, बाय होम इज ए नॉइज, उसके बाद मेड थर्ड पार्ट, बाय होम इज ए नॉइज मेड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे सबसे पहले यदि कोई सेंटेंस हो तो उसके लिए क्या करते हैं, यदि रूल के रूप में हम लोग लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, कैसा प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का हर फॉर्म। इसके बाद रिमेन ऑब्जेक्ट, बचा हुआ कार्य यदि है तो रिमेन ऑब्जेक्ट, रिमेन ऑब्जेक्ट। जैसे ध्यान देंगे, जैसे शो मी योर बुक, show me your book, तो सर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, let your book, let your book, इसके बाद book be Let your book be shown in the object पर क्या लिखेंगे, to का प्रयोग, shown to me, या फिर क्या करेंगे, let
ऐसे बना सकते हैं कि नहीं? लेट मी, लेट मी बी स्क्वायर सोन योर वो ठीक। ओपन द डोर, एक और सेंटेंस लिखते हैं। ओपन द डोर, ओपन द डोर, क्या लिखेंगे? लेट द डोर, इसके बाद बी वर्क था बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। सेंटेंस में प्लीज आया हो तो कैसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। प्लीज सेंटेंस में कहीं पर प्लीज आया जाए उसके लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे प्लीज कम इन टाइम, प्लीज कम इन टाइम। तो सीधे सीधे समझिए, प्लीज बराबर हम लोग लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी बराबर क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, जैसे इसको बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन टाइम, हो गया। जैसे हम लोग लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन टाइम, प्लीज डू नॉट मेक एन नॉइज इन द क्लास, प्लीज डू नॉट मेक एन नॉइज इन द क्लास, प्लीज डू नॉट मेक इन नॉइज इन द क्लास। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे हम लोग देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। यदि इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस हो, जैसे डू नॉट ब्रेक द चेयर्स, डू नॉट ब्रेक द चेयर्स, डू नॉट ब्रेक द चेयर्स, क्या करेंगे?
लेट हेड का प्रयोग करें नहीं, लेट द चेयर्स, इसके बाद नॉट, बी का प्रयोग करेंगे ना, लेट द चेयर्स नॉट बी ब्रोकन, लेट द चेयर्स नॉट बी ब्रोकन। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को देते हैं हम, ठीक है, आप स्वयं इसको करने का प्रयास करेंगे, जैसे नोट डाउन कर लेंगे, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, Who has broken the glass? Broken the glass. We have won the match. We have won the match. Have you done your work? Have you done your work? We shall learn the poem. We shall learn the poem. Take it.